नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट होते हैं और ब्रेन के उन पार्ट्स का क्या काम होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रेन होता क्या है। पीछे के जो वीडियोस है उनके अंदर हमने देखा कि जो ब्रेन होता है वहां तक पहुंचने के लिए हमें कौन से पड़ाव से गुजरना पड़ता है। जैसे यहाँ हमारी स्किन होती है, स्किन के बाद में हमारी बोन होती है, बोन के बाद में मेनिंजीज होती है, मेनिंजीज के बाद में आता है हमारा ब्रेन। और देखते हैं कि ब्रेन के पार्ट कौन से होते हैं और ब्रेन बाहर से दिखाई कैसे देता है और ब्रेन के कौन से हिस्से होते हैं और ब्रेन का जो हिस्सा होता है उसके क्या क्या काम करते हैं। जो हमें ब्रेन के अंदर ऊपरी ऊपर दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। यहां पर जो हिस्सा है, यहां का जो हिस्सा है, आप इस चीज को देखिए कि यहां पे जो अंदर का जो पार्ट होता है, यहां पे जो हिस्सा होता है इसको हम बोलेंगे सेरेब्रम। यहाँ पे जो सेरेब्रम हो गया ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है और इसी सेरेब्रम को जब मैं घुमाता हूँ और सामने से आपको ऐसे दिखाता हूँ तो यहाँ पे बीच में एक दरार पड़ी हुई है, क्लेफ्ट पड़ी हुई है, ठीक है। इस क्लेफ्ट के बाद में यहाँ पर ये एक हिस्सा हो गया राइट साइड का, एक हो गया लेफ्ट साइड का। जो क्लेफ्ट होती है इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फीसर बिटवीन द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यों बोला मैंने कि जैसे अपनी जो धरती होती है, धरती को भी हमने दो भागों में बांटा है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, एक साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। उसी हिसाब से हमने ये ब्रेन होता है, ब्रेन के भी हेमिस्फीयर बांटे। हेमी का मतलब होता है आधा। ये जो हेमिस्फीयर है इसको हमने बोला लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर और इधर का जो हेमिस्फीयर है उसको बोला हमने राइट हेमिस्फीयर। फिर बाद में मैं ब्रेन को वापस आपके सामने घुमाता हूं और घुमाने के बाद में आपको बताता हूं नीचे बीचों बीच ब्रेन स्टेम होती है। मतलब होता क्या है कि जो तना होता है तने की तरह होता है, स्टेम की तरह होता है, इसीलिए हम यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इस ब्रेन स्टेम के अंदर तीन पार्ट होते हैं, ऊपरी ऊपर होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब जो अपने बीचों बीच होता है उसको बोलेंगे हम मिड ब्रेन। फिर मिड ब्रेन के बाद में होता है पॉन्स, पॉन्स के बाद में होता है मोडुला ओब्लेंगेटा। ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, यहाँ पर लगभग इतना सा हिस्सा होता है। ये हिस्से के बाद में पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड मतलब यहाँ पे होता है अपना सेरेबेलम। सेरेबेलम होता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला होता है। सेरेब्रम आपको याद रहेगा, सेरेबेलम भी आपको याद रहेगा, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा कि इसको सेरेबेलम बोलेंगे या सेरेब्रम। पे जो नीचे लटका रहता है, लटकने से याद रख लेना लम, सेरेब्लम, सेरेब्लम, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे लटका रहता है उसको हम बोलेंगे सेरेब्लम, ठीक है। अब हम इनके जो काम होते हैं, फंक्शन होते हैं, इनको हम समझते हैं। फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं ये ऊपर वाला, यहाँ से ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये जो मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर जो सेरेब्रम है, इसके काम की अगर मैं बात करूं, मेंटल एक्टिविटी जैसे कि अपनी मेमोरी होगी, इंटेलिजेंस होगी, सेंसेस हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, थिंकिंग होगी, मतलब जो अपन सोचते विचारते हैं वो हो गया, रीजनिंग से रिलेटेड काम हो गया, या फिर मोरल सेंसेस होते हैं, या फिर लर्निंग से रिलेटेड जो भी काम होता है, सेंसरी परसेप्शन जैसे अपने दर्द हुआ, टेम्परेचर हुआ, जो अपन को छूते हैं, यहाँ पे जैसे अपन मेरे को छुआ तो ये वाला भी इसी के अंदर आएगा, जो अपन को दिखाई देता है वो भी इसी के अंदर आएगा। यहाँ पर जो हियरिंग से रिलेटेड होता है, अपन को जो सुनने से रिलेटेड होता है वो भी इसी के अंदर होता है, ठीक है। जो टेस्ट होता है, स्मेल होता है, ये जो जितने भी इनसोर्ट जितने भी सेंस होते हैं वो सारे के सारे इसी सेरेब्रम के अंदर होते हैं। सेरेब्रम मतलब ऊपर वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूं। सेरेब्रम तो हो गया, अब सेरेब्रम के बाद में जस्ट नीचे आता है ब्रेन स्टेम। ये तीन भागों में बटा हुआ रहता है, जो मिड ब्रेन है, पॉन्स हो गया, मेडुला ओब्लेंगेटा या फिर मेडुला हो गया। ये जो तीनों पार्ट होते हैं इसके अंदर ये एक तरह का जंक्शन का काम करता है या फिर स्टेशन का, एक तरह का स्टेशन का काम करता है। यहाँ पर जो ये नीचे वाला जस्ट नीचे जो पोर्शन होता है, ये जो ब्रेन स्टेम के अंदर जो नीचे का जो पार्ट होता है, इसमें पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो मेडुला होता है, ये वाइटल ऑर्गन की तरह काम करता है, इसीलिए हम बोलते हैं ये छोटा दिमाग होता है। यहाँ पे बोलते हैं बच्चों को मारना नहीं चाहिए, अपने गाँव देहाती इलाकों में बोलते हैं कि यहाँ पे पीछे बुद्धि में नहीं मारना चाहिए बच्चों को, यहाँ पे मारने से बच्चों की सांस है ना वो खड़ी हो जाती है, फिर मतलब सांस नहीं आता। ये होता क्या है कि अपने जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो इसी के अंदर होता है, यहीं पे होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। इसके फिर पीछे की साइड में, मतलब जो ब्रेन स्टेम होता है इसके पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की साइड। यहां पे मैं इसके पीछे, ये जो ब्रेन स्टेम हो गया इसके पीछे की अगर मैं बात करूं, यहां पर ये होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम का मेन काम है बैलेंसिंग, समझ में आया। जो सेरेब्रम होता है इसके एंटीरियर साइड के अंदर ब्रेन स्टेम होता है और ब्रेन स्टेम के ऊपर सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम के बाद में ब्रेन स्टेम के फिर पीछे की साइड के अंदर सेरेब्लम, जो पीछे की साइड में लटका रहता है उसको बोलते हैं, लटकने से याद रख लेना लम, सेरेब्लम। ब्रेन का जो बेसिक होता है यहीं पे हमारा खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको स्पाइन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।